जहां आबाद की कुछ ऐसी कहानी, ऐशा जहां आबाद की कुछ ऐसी कहानी करते हैं बयां जिसको हम करते हैं बयां जिसको हम अश्कों की जुबानी ऐशा जहां आबाद की कुछ ऐसी कहानी ऐशा जहां आबाद है इश्क जवां हुस्न का दरबार सजा है से बहारा है कि गुलजार सजा है इस तरह यहाँ मीनाए बाजार सजा है ऐशा के दरियाए रख दो। सच पूछिए मियाँ, हमारे शाहजहानाबाद के शहरी इस तरह मिलजुल कर रहते हैं कि फर्क करना मुश्किल हो जाता है कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान। पंजा फरमाते हैं गंगा भाई आप। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ हम रुके हैं इससे कुछ ही दूर पे चांदनी चौक है, जिसके दरमियान से एक नहर भी बहती है। देख उधर देख, वो शाही मस्जिद है, मस्जिद जानुमा। ऐसा लगता है ना जैसे ये किला और मस्जिद कल ही बन के तैयार हुए हैं। ए पुंगी वाले, इधर आ। कितने की पुंगी दे रहा है? एक डेले की। माफ कीजिए हुजूर, खत्म हो गया। क्यों? जनाबे वाला आबे रवा क्या, शबनम, मलमल, अतलस, गर्ज ये कि हर किस्म का कपड़ा खत्म हो चुका है। आप पूछिए क्यों? बताइए क्यों? वो यूं कि किले के अंदर मीना बाजार सजाया शहजादियों ने। अरे दीनू, फिरंगी डॉक्टर का इलाज करवा ले, चुटकी बजाते खांसी से नजात मिल जाएगी। आप पूछिए क्यों? क्यों? हुजूर माफ कीजिए, साल में एक दफा तो इस मीना बाजार के बहाने शाही खानदान बाजार घूमने, चीजें खरीदने और बेचने का शौक पूरा करते हैं। आप पूछिए क्यों? आप पूछिए क्यों? ये क्या हरकत है, इतनी जोर से पुंगी क्यों बजा रही हो? अरे क्यों बजा रही हो पुंगी? याद करो। देखो बी चौक में तमाशा मत बनाओ। कुछ याद नहीं आ रहा है? नहीं। आखिर तुम सच कह रहे हो? देखो याद करो, किला बनने से पहले यहाँ एक जंगल था, यहीं कहीं एक पंतों का डेरा था। और फिर वही पुंगी? इसी आवाज को सुनकर तुम दौड़े चले आते थे पंतों के डेरे में। मैं सूरज सिंह, कुछ याद आया? मुझे कुछ याद नहीं है। तुम तो खुदा का शुक्र मनाओ कि मुझे हमारे निकाह का दिन याद रह गया, उसी को रो रहा हूँ आज तक। चलो दीनू काका। बढ़िया।
चलो खुदा हाफिज। दिलो गागा पहुंचा दो इस बला को किले में, ले जाओ। खुदा हाफिज। किले में पहुंचा दो। ये मुंह मत खोते ही ऐसे बेमुरफ्फत मक्का, तुम भूल कर भी शादी मत करना, मैं तो मुंह ही बड़ी पछता रही हूं। शहजादी पसंद कर ले, तेरे तो बारे निहारे हो जाएंगे। ओहो, आगले के किले से मेरी चुड़िया ऐसी फूर हुई कि आज शक्ल नजर आ रही है। तस्लीम वाला, चल उठा इसे। क्या बताऊं काला, फुर्सत ही नहीं मिलती। काला ये मधुमती है। सुखी रहे। अच्छा तू है बड़ी बेमुरव्वर है, तू तो चश्म कहीं की। अरे ये लड़कियों, बस अब यहाँ से जानी बेगम की दुकान के सामने का सारा हिस्सा साफ करना है। हाँ, और हाँ, अगर किसी लड़की को इधर उधर घूमते देख लिया ना तो एक एक की खाल खिंचवा दूंगी। हाँ, हाँ। गणेश बनना चाहती है? आई खाला बना डालो, बड़ा करम होगा तुम्हारा। काम कर, इसे जानी बेगम के पास ले जा, कहियो मैंने भेजा है। अच्छा खाला, जा बैठ कर। अरे मुबारक हो। देख बगैर उंगली उठाए सबको देख ले और पहचान ले, समझी? हाँ, वो जो सामने जा रहे हैं ना, वो है शहजादे औरंगजेब के बेटे शहजादे आजम। और वो देख वो जो घूम रही है ना, वो है शहजादी रोशन आरा। बड़ी ठस्से वाली है, बच के रही हो। और वो जो प्यारी सी गुड़िया खड़ी है ना, वो है जहांजेब बानो, शहजादी जानी बेगम। उन्हीं के पास भेजा तुझे बसंत खाला ने। चल आजा। ऐसे नहीं, ऐसे यहाँ टांगो, इधर। ऐसे नहीं, उतारो उतारो उसे, यहाँ लगाओ, इधर। हाँ इधर लगाओ, यहाँ लगाओ। अब ऐसे इधर। जानी बेगम बंदगी, आप सूरत दिखा रही हो गुलबानो? ये मेरी सहेली मधुमती है। आप ही की खिदमत के लिए लाई हूँ। अच्छी नहीं लग रही है, उतारो इसे। क्या मधुमती अच्छी नहीं लगी? अरे नहीं, ये दुकान की सजावट। चलो बाहर निकलो, ऐसे कोई नहीं आएगा यहाँ। तुम सब शहजादी जीनत और तंबोलन की जासूस हो, हमारी तरकीबें दूसरों को बताती फिरोगी। अब तुम्ही को तरकीब सुझाना गुलबानो। अच्छा शहजादी, ऐसा करिए। वाह, उम्दा तरकीब है तुम्हारी, शानदार। ये लो तुम्हारा इनाम। शहजादे औरंगजेब मैदान जंग से तशरीफ ले आए। किले के अंदर पहुंच चुके हैं। उनके इस्तकबाल के लिए कोई मौजूद? आपके हुक्म के मुताबिक किसी को भी उनके आने की खबर नहीं हो सकी, और ना ही किले के अंदर पहुंचने की किसी को खबर होनी चाहिए। बस आप हुक्म दीजिए। बदतमीज, उनके कमरे में बेलिबास मुजस्मे सजा दिए गए हैं। बहुत सारी नंगी मूर्तियां सजा दी गई हैं। चाओ कमबख्त। किसको तलाश कर रहे हैं शहजादे आजम? वो नजर नहीं आ रहे। अरे वो कौन? वही जिनके गालों पे कुदरत नजर का तिला के पलक। शहजादी जानी बेगम, वो जो सामने पर्दे वाली मीना बाजारी है ना, वो उन्हीं की है। अच्छा, तो साथ पर्दों छुपी बैठी हैं ये। साहिब आलम। औरंगजेब हमारे भाई। ये किस गुस्ताख ने हमारे कमरे में नंगी औरतों की बूत सजाने की हिम्मत की है?
ये जानते हुए भी कि हमें बेलिबास औरतों की पुतों और मुजस्समों से सख्त उलझन होती है। हम जब भी शाहजहानाबाद आते हैं, इसी तरह किसी ना किसी बहाने हमारा दिल दुखाने की कोशिश की जाती है। आपके अलावा और कौन कौन जानता था कि हम आज शाहजहानाबाद पहुंचने वाले हैं? तुम अचानक शाहजहानाबाद में दाखिल होकर सबको हैरत में डाल देना चाहते थे, इसलिए हम। तो फिर कौन है बदबख्त जिसने हमारी खुशियों को नजर लगाने की कोशिश की? जानी बेग। जानी? हाँ, दारा की बेटी। उसे तुम्हारे आने का बेहद इंतजार था, इसीलिए हमने उसे तुम्हारी आमद। चलो इसी वक्त चलो, आज जानी बेगम मीना बाजार में दुकान सजाए बैठी है, उसे उसके बाप के सामने सलील करो। नहीं आप अनुष, नहीं। एक वही तो है जिसे हमारा इंतजार रहता है। नहीं, उस बदतमीज लड़की ने ये बेलिबास मुजस्मे। नहीं, हमारी लाडली भतीजी के ये तोहफे अब बेलिबास नहीं रहे, इन पर तो पर्दा पड़ गया है, जानी बेगम के पाकीज़ा जज्बों का। अब पहन ली है इन बेलिबास मूर्तियों ने, हम उसका शुक्रिया अदा करेंगे। ए, जाओ यहाँ से, कोई नहीं आएगा यहाँ पे, चलो चलो भागो। हम अंदर आ जाएं? आप यहाँ से जाइए, वरना सबको पता चल जाएगा। कसम ले लो, किसी से नहीं कहेंगे। अरे नहीं बताएंगे शहजादी। नहीं बताएंगे? बिल्कुल नहीं बताएंगे। ठीक है, वहीं बैठ जाइए। कैसे लगे हमारी शहजादी के फूल? हमारा फूल इन तमाम फूलों से कहीं ज्यादा हसीन है। आपके फूल? सिर्फ एक फूल। एक फूल? हमारा फूल, सिर्फ हमारा फूल इतना खूबसूरत कि अगर चांद भी उसे देख ले तो शर्मा के बाद में छुप जाए। वो मुस्कुराए तो जैसे कायनात से जीत। फूल भी कहीं मुस्कुराता है? मुस्कुराते हैं, सांस भी लेते हैं। वो जब आंखें खोलते हैं तो हमें जिंदगी के एहसास होता है, हमारी खुशियों की अलामत है। तो कहाँ है वो फूल? है यहीं। यहाँ? हाँ यहाँ। अल्लाह दिखाइए ना, ना सताइए हमारी शहजादी साहिबा को। शहजादी साहिबा बुरा तो नहीं मानेंगी? अरे हम क्यों बुरा मानने लगे? इसलिए कि आपके ये सारे फूल और सारी कनीजें हमारे फूल के सामने बेजान सी नजर आएंगी। दिखाइए ना शहजादे आजम, दिखाइए ना। अच्छा अच्छा, ऐसा करो तुम अपनी आंखें बंद कर लो और तुम भी, हमारे फूल को नजर लग जाएगी। अब जो दो आंखें खुली हैं वही है हमारा फूल, उसी को देखकर जीते हैं। या अल्लाह। अब जो दो आंखें बंद हैं वही है हमारी जिंदगी। मीना बाजार में अचानक आलम पनाह के सामने पहुंचकर उन्हें खुशखबरी सुनाई जाए, हमने इस बार लड़ाई जीत ली है। बेहद गहरे हो, मुबारक। शुक्रिया। 10 सालों के लंबे इंतजार के बाद पहली फतह, पहली जीत। अब्बा हुजूर किस कदर खुश होंगे, उनकी खुशी देखने के काबिल होगी। सुभान अल्लाह, क्या इंतखाब है परिंदों का। दारा बाबा, आप परिंदे पसंद फरमाएं। परिंदे आपकी पसंद के चुने जाएंगे, इनाम माँ बदौलत अदा करेंगे। मुबारक हो, मुबारक हो। मीना बाजार का शोर है ये।
मैदान जंग का नहीं, कैसा सितम है। बड़ा भाई महल की चांदनी में सोए और छोटा भाई मैदान जंग की धूप में झुलसे। सारे बदन की चांदी झुलस कर तांबा हो गई है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, नायाब नमूनों का इंतखाब है। ये पुखराज की डालें हमारी बादशाह बेगम के लिए। और ये नीलम की लड़ियां दारा बाबा की बेगम शाहजादी नादिरा के लिए 25,000 फिनक्स अता किए गए। मुबारक हो शहजादा, मुबारक हो। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नायाब लका कबूतर की जोड़ी, नायाब। ये लका कबूतर हमने पसंद फरमाए। शहजादी साहिबा, ये लका कबूतर तो आलम पना ने खरीद लिए। किसके लिए? शहजादे दारा शिको के लिए। दारा बाबा, आप परिंदे पसंद फरमाए, इनाम मागदौलत अदा करें। सुभान अल्लाह। तस्लीम अबा हुजूर। खुदा उम्र दराज करे। हमारी बेटी ने जवाहरात सजाए। वाह, ये पुखराज की डालें, ये नीलम की लड़ियां हमने पसंद फरमाई। क्या कीमत देनी होंगी? माफ कीजिए अबा हुजूर, ये जेवरात तो दादा हुजूर ने ताए हजरत के लिए खरीदे हैं। ऐसे मौकों पर तो खुद को हजारों बार लुटाया जा सकता है जाने बदर। बड़ी नेक साथ होती है मीना बाजार की। इस मीना बाजार में तय किए गए रिश्ते अक्सर कामयाब साबित हुए हैं। क्यों ना आला हजरत भी आज कोई नया जोड़ा पसंद फरमाए। हुजूर, मीना बाजार फिर लग गया। आज का ये दिन रिश्तों के अस्तवार करने के लिए बहुत मुबारक होता है। वो देखिए, दारा बाबा और शहजादी नादरा बेगम की जोड़ी क्या खूब लग रही है। आपने माँ बदौलत के मुंह की बात छीन ली, ताईद कीजिए। कर तो रही है। ऐसे नहीं जाने शाह, हमारे कांधे पर हाथ रखिए। हुजूर, ये मीना बाजार है। लेकिन हमारा रिश्ता भी तो दरबारी रिश्ता नहीं है, इससे बाहर भी। आलीजा, जानी बेगम और आजम के जोड़े पर नजर लग रही है, मुलायजा फरमाए। माशाल्लाह, चश्मे बद्दू जीती रही। हम नहीं बताएंगे क्या है हमारी दुकान में,
आप अपने मुबारक हाथों से लका पोशाई कीजिए। जी दादा हजरत, चोरी खींचने की जहमत गवारा कीजिए। तस्लीम बाबा हजरत। शहजादे औरंगजेब, आप अचानक किस वक्त यहाँ और इस हाल में? माँ बदौलत कुछ भी समझने से कासिर रहे हैं। बाबा हजरत, हम अचानक आपके सामने पहुंचकर आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहते थे। खुशखबरी? जी, हमने 15 साल की लगातार कोशिशों के बाद हमने दुश्मन के किलों पर अपनी फतेह के झंडे गाड़ दिए। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जी खूब। दारा बाबा मुराद और शिकोह बाबा को बुलवाइए। आइए बादशाह बेगम, देखिए क्या तकीब है, क्या इम्तिजाज है, क्या पसंद है। अक्ल ज़हानत और हुस्न सब यकजा हो गए। बादशाह बेगम, मुलायजा फरमाइए, क्या तरकीब है। वाह, क्या पसंद है। अक्ल ज़हानत और हुस्न